देश भर से आज सिख प्रबंधक कमेटी के लोग, एसोसिएशन के लोगों ने आज देश के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से बातचीत की है, कुछ ज्ञापन भी सौंपा है। सर आप कहाँ से? सर मैं मलकीत सिंह बल, कन्वीनर महाराष्ट्र सिख एसोसिएशन मुंबई से। क्या मांग रखी सर आप लोगों ने? आज पूरे देश भर का सिख डेलीगेशन। हुण जेकर किसी भी सरकारी दफ्तर च कोई काम होवे ता खज्जल खुआरी नहीं हुंदी ते ना ही रिश्वतखोरी दा डर रहंदा, सगो बड़े ही वधिया ते समय सिर लोकां दे काम हो रहे ने। यही ता है मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान दा सुचज्जा शासन, जिस दे चलदियां रिश्वतखोरी अते गैर कानूनी कम्मां ते ठल पाउण लई मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पंजाब नूं भ्रिष्टाचार मुक्त बनाउण दा टीचा मिथिया। इसे लिए पंजाब सरकार ने भ्रिष्टाचार विरोधी एक्शन लाइन दा व्हाट्सएप नंबर जारी करके हो रहे अपराधां ते रोक लगाई है। हुण तक इस एक्शन लाइन दे उपर कुल 12,307 शिकायतां ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग समेत प्राप्त हुई है, जिन्हां दा पंजाब सरकार वलों समय ते ही निपटारा किया गया। जेकर कुल अंकड़े दी गल करिए ता हुण तक 567 मुकदमे दर्ज किए गए ने ते कुल 663 मुलजमां नूं गिरफ्तार किया गया। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान दी अगुवाई च पंजाब सरकार दे इस उपराले नाल लोक हुन बिना किसी चिंता दे सरकारी दफ्तरां च अपना काम करवा रहे ने। कृपा करके जे कोई सरकारी नौकरी वास्ते पंजाब दे विच तुहाडे तों पैसे मंगदा है, बिल्कुल पैसे देण दी लोड़ नहीं, बल्कि सानू साडा जिहड़ा नंबर है 95012000200 इस नंबर ते फोन करके दस दो, तुहाडा नाम गुप्त रखिया जाऊगा ते बाकी काम साडा है। एस होम नित्यानंद राय जी के उनके गृह पे मुलाकात की और चिंता जताई कि जो देश के राजनेता हैं, कोई भी पक्ष के हो, कोई भी पार्टी के हो, वो देश में और विदेश में कोई वैसी टिप्पणी ना करें जिससे कोई समुदायों को असर होता हो। जैसे कि कई टिप्पणियां पॉलिटिकल माइलेज के लिए राजनेता करते हैं, उससे हमारे भाईचारे में बहुत फर्क पड़ता है, इसके बारे में चिंता जताई गई, एक विरोध प्रकट किया गया और ये कहा गया कि एक अवेयरनेस होनी चाहिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नेता हो इस तरह की कोई भी रिलीजन के बारे कोई ऐसी टिप्पणी ना करे जिससे नफरत की भावना पैदा हो। और दूसरी बात, जैसे कि उनको हमने ये भी बताया है कि आज एक देश है और देश में हमें पूरे अधिकार है, और देखा जाता है कि जब हम एंट्रेंस टेस्ट के लिए हमारे बच्चे जाते हैं तो उनका जो कड़ा है उसको उतारा जाता है, और जो श्री साहब है जो कि छोटी कृपान है, जो कि लीगली अलाउड है, कोर्ट ने रूलिंग दी हुई है, उनको भी उतारा जाता है। इससे जो आने वाली पीढ़ियों में जो एक भावना पैदा होती है कि कहीं ना कहीं हमसे कुछ गलत हो रहा है, बेइंसाफी हो रही है, तो इसके बारे में उन्होंने हमने जोर से कहा कि आपको इसके बारे में अध्ययन कर स्टडी करके एक SOP जाहिर करनी चाहिए। जो SOP आपके जो भी एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, CISF हो, BSF हो, और एग्जामिनेशन सेंटर्स में जो पुलिस पर्सनल्स हों, वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेटर हों, उनको ये हिदायतें जाने चाहिए कि इस तरह की कार्रवाई को रोका जाए, क्योंकि जो ये ककार है ये हमारे लिए कोई बहुत सिंबॉलिक अटैचमेंट है, इमोशनल अटैचमेंट है। साहब ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि बिल्कुल आपकी ये बात ठीक है, इसके बारे में विचार करेंगे, और जल्दी आश्वासन दिया कि इसके बारे में हम SOP जाहिर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। दैनिक सवेरा से अमन। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा TV, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।